तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैटालिस्ट। तो पहले तो इसके बारे में समझते हैं कैटालिस्ट होते क्या हैं। हमने रिएक्शन के टाइप्स पढ़े थे, उसमें रिएक्शन का टाइप था एक स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, है ना। तो जो टाइम है रिएक्शन को होने में, टाइम को मान लो एक स्लो रिएक्शन है पर मुझे उसे जल्दी परफॉर्म करना है तो क्या करें। कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि इनको अगर हम रिएक्टेंट के साथ मिला दें रिएक्शन में तो ये रिएक्शन तो नहीं करते किसी से पर रिएक्शन की रेट को अल्टर कर देते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कैटालिस्ट। ओके, तो कैटालिस्ट को क्या बोलेंगे हम? दोज एलिमेंट्स विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन बट डू नॉट रिएक्ट विथ अदर रिएक्टेंट्स। ठीक है, इनको बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का अगर एग्जाम्पल देखें तो जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, वेजिटेबल ऑयल, उसकी अगर हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करवा दें और निकल कैटलिस्ट को एरो के ऊपर शो करते हैं तो ये वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी। जैसे ये जो प्रोडक्ट आते हैं ना घी में कन्वर्ट करने, वेजिटेबल घी में, तो ये ऐसे ही करते हैं। वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन हाइड्रोजन से निकल, यहां पे निकल क्या है, निकल कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन को बहुत जल्दी परफॉर्म करवा देता है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो फटाफट इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करें। ओके, तो अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हम कैटलिस्ट को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है होमोजीनस कैटलिस्ट और एक है हेटेरोजीनस कैटलिस्ट। ओके, होमोजीनस और हेटेरोजीनस। अब ये कैसे होता है, देखो, एक ऐसी रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स, ध्यान से देखना, रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट ऑल आर इन सेम फिजिकल स्टेट। समझो कि रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट तीनों ही क्या है, सेम फिजिकल स्टेट, मींस तीनों ही सॉलिड है, तीनों ही लिक्विड होने चाहिए या तीनों ही गैस होने चाहिए, तब तो ये होगा कौन सा, होमोजीनस। ओके, फर्स्ट वाला होमोजीनस। और अगर ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इन सेम फिजिकल स्टेट। बहुत सारी रिएक्शन ऐसे होती हैं जिनमें रिएक्टेंट लिक्विड है पर उसमें जो कैटलिस्ट है वो गैसियस स्टेट में होता है या प्रोडक्ट ही कोई और स्टेट में बनता है, मीन्स तीनों जो है वो एक स्टेट में नहीं होंगी, तो वो होगा हेटेरोजीनस कैटलिस्ट, उस कैटलिस्ट को बोलेंगे। ठीक है, मीन्स अगर रिएक्टेंट लिक्विड है पर कैटलिस्ट भी लिक्विड है तो वो हो गया होमोजीनस, पर रिएक्टेंट क्या है, लिक्विड है पर जो हम जो ले रहे हैं कैटलिस्ट वो सॉलिड है या गैसियस है, लिक्विड नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, हेटेरोजीनस कैटलिस्ट। तो फटाफट इनके एग्जांपल्स के में देखते हैं, चलो। ओके, तो अब देखो ये कुछ मैंने रिएक्शंस लिखी हैं, इनमें ध्यान से देखो, जो फर्स्ट रिएक्शन है CH3COCH3, ओके, इसको बोलते हैं मैथिल एसीटेट, मैथिल एसीटेट। इसकी वाटर से रिएक्शन करवाई किस कैटलिस्ट, यहां पे देखो ये कैटलिस्ट है हाइड्रोक्लोरिक जो है एसिड, जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पर कैटलिस्ट है। ओके, ये रिएक्शन में इनके साथ कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा ना किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये ऐसा ऐसे ही रहेगा, बस
ये रिएक्शन का टाइम इंक्रीज करेगा, जल्दी जल्दी रिएक्शन करवा देगा। तो ये क्या है, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, और ये क्या हो गया CH3OH मेथेनॉल। ओके, तो अब ये देखो, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, एक्वस मींस ये भी लिक्विड स्टेट में, ये भी लिक्विड स्टेट में, और ये भी लिक्विड, सभी लिक्विड स्टेट में, सेम फिजिकल स्टेट। तो यहां पर ये जो HCl है ये कैटलिस्ट है, पर ये स्टेट सबकी सेम है, तो ये कौन सा कैटलिस्ट है, ये होमोजीनियस है। ओके, नेक्स्ट में देखो, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन, ये भी गैस, ये भी गैस, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है ये भी गैस, और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी गैस, तो इसकी भी फिजिकल स्टेट सेम है, तो यहां पे ये क्या है, ये भी होमोजीनियस कैटलिस्ट है। ओके, अब देखिए, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, आयरन पर सॉलिड है, अमोनिया गैस बन रही है। तो यहां पे देखो, ये जो कैटलिस्ट है ये फिजिकल स्टेट चेंज होगी ना, ये तो गैसियस है, ये सॉलिड है, तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की बात करें, वेजिटेबल ऑयल जो शुरू में एग्जांपल था, वेजिटेबल ऑयल तो लिक्विड होता है, हाइड्रोजन गैस है, लैक्टेट की भी जो है फिजिकल स्टेट सेम नहीं है, और निकल क्या, निकल सॉलिड है। तो यहां पे देखो, निकल की देखो इन दोनों से अलग स्टेट होगी, तो ये क्या होगा, ये भी हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट होगा।